सो खमा गणी माता रानी की दुआ से आज वो दिन आ गया है 20 सितंबर आप लोगों की कोटा शहर में मैं आ गई हूँ। और ये इवेंट से पहले हम लोग हैं एक्साइटेड भी है, नर्वस भी है, राम जाने क्या होने वाला है। तो हम लोग चलते हैं, ये पीछे की ब्लॉगिंग हो रही है, बिहाइंड द सीन करेंगे, ऑन द स्टेज आप लोगों को दिखाया जाएगा। बताइएगा आपको कैसा लगा ये शो, वो कैसा रहा, और मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा सो शो अच्छा जाए। खंबा गणी रोज सुबह जब मैं कुछ अच्छा सुनता हूं, अच्छा देखता हूं और अच्छा सोचता हूं, तो मेरा पूरा दिन अच्छा होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। और जब एक एक करके मेरा हर दिन अच्छा बीतने लगता है, तो मेरी जिंदगी अच्छी हो जाती है। साल का बच्चा और 6 साल का बच्चा एक साथ घूम
घूमने गए नदी में, 10 साल का बच्चा बाय एक्सीडेंटली गिर गया, तो 6 साल का बच्चा हड़बड़ा गया कि मैं कैसे इसको बचाऊं। अब 6 साल के बच्चे की तो ताकत आपको पता ही कितनी है, और पानी में गिरे हुए 10 साल के बच्चे की ताकत आपको पता ही है, पर वो भगवान बैठा है किसी उसमें। जो 6 साल का बच्चा है उसने रस्सी फेंकी पानी में और अपनी पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत लगा दी उस 10 साल के बच्चे को बचाने के लिए, बाहर लाने के लिए, और उसने उस बच्चे को बाहर ले गया। ये ताकत लगाई 6 साल के बच्चे ने 10 साल के पानी में डूबे हुए बच्चे के, पूरा जोर लगा के वो बाहर लेके आया। बच्चे थे भाई, डर गए कि घर में बताएंगे तो डांट पड़ेगी, नदी के पास करने क्या गए। फिर भी उन्होंने हिम्मत करके गांव में जाके अपनी फैमिली को बता दिया, सोसाइटी को बता दिया। किसी ने, गांव वाले ने उस पर विश्वास नहीं किया कि ये झूठे हैं, झूठ बोल रहे हैं। गांव के एक बुजुर्ग आदमी, जैसे कहते हैं ना बड़े इंसान की क्यों छत्र छाया जरूरी है, जैसे यहाँ पे बैठे सर है, एक बड़े इंसान की छत्र छाया बहुत जरूरी होती है। उन्होंने, उस आदमी ने उस बच्चों पे विश्वास किया, गांव पूरी उस आदमी की इज्जत करता था, वो कहता था ये आदमी जो बोलता है वो सच होता है। गांव वाले सारे उसके पास गए, पूछा कि आप ये बताओ कि आपको इस बात पे विश्वास है कि 6 साल के अंदर एक कमजोर बच्चे ने 10 साल के बच्चे को बचाया, ये हमें विश्वास नहीं हो रहा। बोले वो क्यों नहीं हो रहा, वो बता रहे। बोले नहीं, हमें हो नहीं रहा है, और अगर ये सच किया तो इसके पीछे क्या सच्चाई है, ये ऐसे हो कैसे सकता। हमारा सवाल ये नहीं है कि हुआ, हमारा सवाल है कि ये कैसे हुआ। तो ये सवाल मेरा आपसे है, कैसे हुआ। आप अपने अंदर को उसे बचा लेंगे चाहे कुछ हो। इसको वो गिफ्ट चाहिए, आप अपने हाथ से दो, आ जाओ देना हम लोग। तो आप ये मानो ये बॉक्स है, ठीक है, और दीज आर द फ्लावर। अगर मुझे फ्लावर बॉक्स के अंदर डालने हैं तो जा रहे हैं नहीं जा रहे? जाने चाहिए। तो ये ढक्कन तुम्हारी परेशानियां है, बोल दो, जोड़ियों को तोड़ दो, पकड़ लो, ठीक है। ये ढक्कन तुमको तोड़ना पड़ेगा, ये सच है, कोई और आके नहीं तोड़ेगा। और आके तो सब आपको सिखा के चले जाएंगे कि ये तुम पहुंच ही नहीं सकते डब्बे के अंदर। ढक्कन आपका दिमाग है, बोल दो पहुंच जाओ।